गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू करियर डेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज है 17 नवंबर 2018, जिसका हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली के रूप में, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स का MCQ प्रैक्टिस हमारे वेब पोर्टल पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के अंत में हम एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछते हैं, जो पिछले 6 माह की करंट अफेयर्स से होता है। आइए शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर प्रथम राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया और यह 2 दिवसीय आयोजन 16 नवंबर से 17 नवंबर 2018 तक किया जा रहा है इसका आयोजन। और इसका जो उद्घाटन किया था 16 नवंबर 2018 को इरेडा के चेयरमैन सुभाष चंद खुंटिया ने किया था, जो कि इरेडा होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग में नया सदस्य किसे नामित किया गया है? ये अभी हाल ही में 3 सदस्य नामित किए गए हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में, जो कि श्रीमती चंद्रमुखी देवी, शोशो सैजा, कमलेश गौतम। और यह जो महिला और बाल विकास मंत्रालय नए सदस्यों का नामित करती है, यानी नए सदस्य नियुक्त करती है राष्ट्रीय महिला आयोग के, वह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अनुपालन में करती है। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों की अवधि का होगा, या 65 वर्ष की आयु होने तक, या फिर अगले आदेश तक, जो भी पहले हो उसके अनुसार होगा। मुंबई बंदरगाह पर वाटर फ्रंट विकास का उद्घाटन कौन करेंगे? मुंबई बंदरगाह पर वाटर विकास का उद्घाटन नितिन गडकरी जी करने वाले हैं। केंद्रीय जहाजरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो कि 17 नवंबर 2018 को मुंबई बंदरगाह पर वाटर फ्रंट विकास के तहत 2 तैरते रेस्तरा का उद्घाटन करने वाले हैं। फुटपाथ एंड कम्युनिकेशनल अप्रोच विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय यह सम्मेलन का आयोजन 16 से 17 नवंबर 2018 तक आयोजन इसका किया जा रहा है। और इसका जो सम्मेलन का उद्देश्य है, वह विकासशील देशों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए दुनिया भर में फुटपाथ प्रौद्योगिकी और सड़क बुनियादी ढांचा इंजीनियर में हुई प्रगति पर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन किया गया है वह सिंगापुर में किया गया है। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 नवंबर 2018 को सिंगापुर में किया गया, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। हाल ही में चक्रवाती तूफान गज या गाजा, कहीं कहीं गाजा भी लिखा हुआ है, कौन से प्रदेश में नुकसान किया है? यह एक चक्रवाती तूफान आ गया है तमिलनाडु में, और 16 नवंबर 2018 को अंदरूनी तमिलनाडु के ऊपर चक्रवाती तूफान गज पश्चिमी की ओर बढ़ा, कमजोर होकर एक गहरे विक्षोभ में बदल गया था। बात करें हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की, के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अभी हाल ही में हिमालयी क्षेत्रीय राष्ट्रीय परिषद का गठन किसने किया है? हिमालयी क्षेत्रीय राष्ट्रीय परिषद का गठन नीति आयोग ने किया है। और हिमालय क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालयी क्षेत्रीय राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बी के सरस्वत को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में किस अनुभवी पत्रकार को राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है? ये किया गया है एन राम को प्रदान किया गया है। और एन राम जो है वो वरिष्ठ पत्रकार और द हिंदू प्रकाशन समूह के अध्यक्ष हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए 16 नवंबर 2018 को राजा राम राय मोहन राय पुरस्कार अध्यक्ष एन राम को प्रदान किया गया है।
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार 16 नवंबर 2018 को वित्त मंत्री हमारे अरुण जेटली ने इन्हें प्रदान किया एन राम को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहीं हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, यह 3 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है हमारे 16 नवंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस असहिष्णुता के खतरों की लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। अभी हाल ही में गोविंद माथुर ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ये ली है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने 14 नवंबर 2018 को गोविंद माथुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। हम बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट की तो यह भारत का सबसे बड़ा और दूसरा पुराना उच्च न्यायालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के आधार पर किस राज्य के नए राज्य प्रतीक धमचक्का द भील ऑफ ला का चयनित किया गया है, यह अमरावती स्कूल आर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का नए राज्य प्रतीक का चयन किया गया है और जिसका नाम है धमचक्का द भील ऑफ ला। हम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें एन चंद्रबाबू नायडू हैं और आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य तेलंगाना बनाया गया था 2 जून 2014 को और आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कला मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में आईबीएसएफ वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप 2018 किसने जीती, यह जीती है हमारे पंकज अडवाणी ने और जो कि 15 नवंबर 2018 को 150 अप प्रारूप में यह लगातार तीसरा आईबीएसएफ बिल्डर्स शतरंज खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2018 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेघालय में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन। 14 से 17 नवंबर 2018 तक मेघालय की राजधानी शिलोंग में अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह 4 दिवसीय महोत्सव है जो कि वन और पर्यावरण विभाग मेघालय सरकार द्वारा किया जा रहा है। बात करें हम मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। अब देखते हैं हम आज का जो पिछले करंट अफेयर्स का आंसर है दोस्तों, 16 नवंबर का है ये, जो हमने 16 नवंबर को क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा कब लिया, यह सम्मेलन में हिस्सा लिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने 27 जुलाई 2018 में इसमें हिस्सा लिया था। और बता दें कि आपको 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 25 से 27 जुलाई 2018 दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में किया गया था। जो भी ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसका जो अगला शिखर सम्मेलन 11वां शिखर सम्मेलन होना है वो 2009 में ब्राजील देश में किया जाना है। बात करेंगे अब हम आज के प्रश्न की जिसे आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली ने वार्षिक दिवस कब मनाया, इसका आंसर आपको बताना है। और दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों इसके आंसर के। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।